इस जगह से हमने फोटो क्लिक किया, बहुत जबरदस्त यहाँ फोटो आता है। जो हमारे पीछे दिख रहे हैं फूल, और ये फूल जो बैकग्राउंड है बहुत जबरदस्त दिखता है। और यह पार्क में हम है, और यह पार्क के दोनों तरफ रोड है, और ये बीच में पार्क है, काफी खूबसूरत पार्क है देखने में लगता है। जो आप वीडियो में देखे हैं फूल, यही फूल है। और देखिए ये जो पार्क है, इसके अंदर एक जो छोटा छोटा पेड़ था उसको कटिंग करके और सजावट के लिए आता है पार्क में। और देखिए दोनों तरफ से रोड है और बीच में यह पार्क है, और रोड के जो साइड है उस पर भी एक ऐसा पेड़ लगाया जाता है जो बाउंड्री टाइप का दिखता है चारों तरफ। देखिए यह बाउंड्री टाइप का लगा हुआ है। और शाम का टाइम हम निकले हुए हैं इस पार्क में घूमने के लिए। चलिए आगे आपको और दिखाते हैं। यह पार्क जो है एयरपोर्ट के नज़दीक में है, बहुत नज़दीक में, और यह काफ़ी खूबसूरत दिखने में लगता है। पार्क में बहुत अच्छा अच्छा आपको फूल देखने को मिल जाता है, जो छोटे छोटे पेड़ हैं। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ हैं, ये भी फूल वाले पेड़ हैं, बट काफ़ी हरियाली है यहाँ पे, क्योंकि मेंटेनेंस हमेशा होते रहता है यहाँ पे। पौधा में काफ़ी हरियाली है अभी, क्योंकि मानसून का टाइम भी है, और यहाँ मेंटेनेंस के लिए हमेशा काम चलते रहता है। और इसके अंडरग्राउंड पाइप होता है, वो पाइप के थ्रू ही इस पेड़ के अंदर पानी डाला जाता है, जिसके चलते हमेशा ये हरियाली बने रहता है। और ये पार्क बहुत बड़ा है, छोटा पार्क नहीं है, ये बहुत लंबे पार्क है, यानी रोड के बीचों बीच है। और देखिए यहाँ से गाड़ी आते जाते रहती है। जो देख रहे हैं खजूर टाइप का है, बट एक खजूर का पेड़ नहीं है, एक सजावट के लिए है, और रोड के अरे चारों तरफ से लगाया गया है। देखिए ये चारों तरफ जो रोड के सर्कल है उसी के बीचों बीच ये पार्क स्थित है, और बहुत खूबसूरत है। इसके बीच में देखिए एक पानी का जो फुहारा टाइप का निकलता है वो बनाया हुआ है। इसे रोड है, और इसके बीचों बीच यह पार्क है जो सर्कल के अंदर में है, काफ़ी ज़बरदस्त है। वो देखिए आपको बीच में यहाँ दिखता होगा एक पानी का फुहारा टाइप का यहाँ से निकलता है। काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, क्योंकि यह घूमने का जगह है और बहुत ज़बरदस्त है। शाम के टाइम में काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे घूमना, तो देख सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त रोड है, बहुत अच्छा रोड है, और इसके एक किनारे से पेड़ लगाया हुआ है जो बहुत हरा भरा है। और इस पेड़ के नीचे एक पाइपलाइन होता है, जो पतला पाइपलाइन होता है, उसी के द्वारा इसमें पानी दिया जाता है, जो इसका मेंटेनेंस हमेशा होते रहता है, इसलिए इतना हरा भरा है। और देखिए यह पार्क जो आपको हम दिखाए हैं, ये दोनों तरफ से रोड है, दोनों रोड के बीचों बीच स्थित पार्क है, और बहुत लंबा पार्क है। और यहाँ पे आपको फ्लाइट दिख रहा है, यानी जहाज़ दिख रहा है, और एयरपोर्ट के नज़दीक में ही है ये, यहाँ से फ्लाइट होते रहता है, तो काफ़ी सुंदर इलाका है। और इस सब जगह पर गवर्नमेंट का ज़्यादातर ध्यान रहता है, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे वीडियो आ रहा है, यानी यहाँ फोटो लिया जाए तो काफ़ी सुंदर आएगा, देखिए बहुत अच्छा आएगा, और कैमरा क्वालिटी अच्छा हो तो और ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और हम ऑलरेडी दूसरे ब्लॉग में आपको बता चुके हैं कि ऐसा लोकेशन अगर आपको घूमने के लिए मिले तो ऐसा मौका ना गंवाएं, और ज़रूर जाकर घूमें, क्या पता फिर इस लोकेशन पर आने का मौका मिले या ना मिले दूसरे टाइम, तो ऐसा मौका ना गंवाएं। और यह सब लोकेशन है, यहाँ पे हमेशा लोग घूमने के लिए आते जाते रहते हैं, क्योंकि जो लोकेशन देख के आपको पता लग गया होगा कितना ज़बरदस्त लोकेशन है, और इस एरिया में काफ़ी ज़बरदस्त। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल एविएशन टर्मिनल 3 पे, काफ़ी लोग फ़ोटो खींचने का अपना अपना कोशिश कर रहे हैं इस पार्क में आके, और अलग अलग पोज में हर कोई फ़ोटो खींचना पसंद करता है। तो देखिए ये लोग भी अपना फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहे हैं अब अलग अलग पोज में, कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई, ये लोग अलग अलग पोज में अपना फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये लोग हमको देख नहीं रहे हैं, हम इनको साइड से वीडियो बना रहे हैं इनका, ऐसा देखने लग रहा है कि हो सकता है रील बना रहे हैं किसी सॉन्ग पे डांस। देखिए यहाँ पे मोर बैठा हुआ है, कैमरा में नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे मोर बैठा हुआ है, ज़्यादा ही जूम हो गया। देखिए यहाँ पर